हेलो गाइस। तो आज मैं जिम गया था। जिम से जब आ रहा था ना, तो जिम के सामने हमारे स्टेडियम में वहाँ पे एक बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैंने सोचा यार मेरे को भी करना चाहिए क्रिकेट खेलना स्टार्ट फिर से। तो अभी मैं सोच रहा हूँ मेरा पहले पुराना सामान वामान जो भी मेरे किट्स एंड ऑल है उनको ढूंढता हूँ। मेरे किट तो मेरे को दिख रहा है बट ऐसे कबाड़ में पड़ा हुआ है यार। देखो कैसे कबाड़ में पड़, ये मेरा पता है कितने साल पुराना किट है, पता नहीं कितने, क्या हालत है इसका, किट का हालत देखो मेरा भाई। हाय राम, इतना गंदा हालत मेरे किट का भाई। ये तो गया, किट ही निकल गया मेरा। अब मैं देखता हूँ मेरे बैट्स कहाँ हैं। बैट इधर हो गए इस रूम पे, अभी देखा था मैंने। हे राम, अब ये तो उससे गद्दे वाली बॉल से खेलने के लिए, ये मेरा वैसे इसका भी नहीं, यहाँ से टूट गया थोड़ा, इसको भी मेरे को रिपेयर करना कराना पड़ेगा इनको। अब मैं खोलता देखता पहले इसमें सामान क्या क्या है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इसमें सारा सामान होगा, क्योंकि एक बीच में कोई लेके जाता था इसको, खेलता था उससे, तो पता नहीं उसका क्या हालत है। ओए इधर आ, इधर आ, क्या हालत होगा। ये देखो कौन है पापा, ये क्या है पापा, तुम कौन हो? विराट कोहली, देख रहे हो विराट कोहली उल्टा खेलता है, विराट कोहली ये वाला विराट कोहली उल्टा खेलता है। इसको बनाऊंगा लेफ्टी, इसको कुछ भी हो जाए। हाँ चलो अब मैं इसको खोलता हूँ, पहले मैं एक चेयर लेके आता हूँ पहले बैठने के लिए मेरे। अब मैं इसको खोलूँगा, देखता हूँ इसमें क्या क्या है। पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहले करता हूँ मैं यहाँ से स्टार्ट। ग्लव्स के हालत देख रहे हो भाई, ग्लव्स के हालत देखो, बैटिंग ग्लव्स के, ये वाला ठीक है, ये वाले ठीक है, दो सही है, दो के हालत खराब है बहुत। इनको धूप में रखना पड़ेगा, हर चीज में लिप बम मिल जाता है। पैड्स, बाकी सामान कहाँ है इसमें? और यार मेरे गार्ड वार्ड सब कहाँ है? ये देखो पैड्स भाई, इसमें खाली पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट, गार्ड वार्ड कुछ नहीं है। थाईज वाइज सब कहाँ है? तो देखता हूँ यार इसके साइड वाले जेब में कुछ है क्या। ये तो खाली वो है यार, छोड़ो इसको अंदर ही रखता हूँ, नहीं बाहर ही रखता हूँ। ये सब मेरे को करना पड़ेगा, धूप में डालना पड़ेगा यार इन्हें। हेलमेट देख क्या तो मैं, हेलमेट तो है ही नहीं उसमें, हेलमेट कहाँ होगा यार, इधर ही कहीं होना तो चाहिए। मैंने बीच में कहीं देखो भाई, हमारे घर में साइकिल भी है देखो, बीच में कहीं। ओ माय गॉड, इतना अच्छा हेलमेट का हालत, ये कहाँ था भाई साहब? रुको भाई, देखो हेलमेट हो गया और दो जोड़ी पैड भी मिल गया, दोनों जोड़ी ग्लव्स भी मिल गए, एक जोड़ी ग्लव्स और गार्ड खरीदना पड़ेगा, बैट सही कराना पड़ेगा। इसको ड्राई क्लीन करवा लो क्या? ड्राई क्लीन होता भी होगा हेलमेट? पता नहीं भाई, देखो बैट जो है यहाँ से क्रैक है, मैं देखो यहाँ से, तो इसमें ग्रिप लगना है और ये पूरा ये ही चेंज होगा पूरा यहाँ से ना, ये पूरा निकल जाएगा, निकल के ये नया लगेगा यार, बहुत गंदा है ये। वैसा कुछ दिक्कत तो हो नहीं रहा, वैसा कुछ दिक्कत तो हो नहीं रहा इसमें। मैं सोच रहा इसको खेलता हूँ, खेलते खेलते जब खराब होगा ना तब करवाऊंगा कुछ भी चेंज इसमें। अभी इसमें इसको जाके मैं मार्केट जाके इसका ग्रिप लगवा के लेके आता हूँ, नहीं वही करता हूँ, अभी मार्केट जाता हूँ जाके ग्रिप लगवा के ले आता हूँ इसका, वही सबसे बेस्ट होगा। बाकी ये तो जब होगा तब देखेंगे इसको, इसका ग्रिप लगवा लेता हूँ। और यहाँ से ना, नहीं यार मैं सोचो बंधवाता भी बाद में। ये देखो ये पहले एक बार यहाँ से, ये देखो यहाँ से टूट गया था देख रहे हो, फिर मैंने इसको यहाँ से
करवाया था ऐसा सिस्टम, यार करना तो पड़ेगा। बट इसको मैं सोचो खेलते खेलते ही टूटे तभी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। खेलते खेलते टूट जाए तभी करूँगा, नहीं तो बाकी ऐसे ही रहने दूँगा। अभी जाके एक बॉल भी लेके आना मेरे को, क्योंकि फिर बॉल भी लेके आऊँगा ना तो फिर थोड़ा नॉकिंग भी हो जाएगा, इसका देख भी लूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। कितने साल, दो साल से मैंने खेला नहीं इस बैट से, बस धूप वूप में नहीं रखा तो अभी सही है। बट थोड़ा सा ना तो देखना पड़ेगा नॉकिंग वॉकिंग सब, और इस पर मेरे को लग रहा है वो लगवाना पड़ेगा मेरे को, जो लगता है ना वो लगा के लेने को नया ले सकता हूँ, वैसा कुछ है नहीं। बट याद है ना जो पुराना चीज़ होता है ना, पुराना चीज़ प्यार होता है यार, समझ लो। मैं ये सारा सामान पता है कितने में आ जाएगा, मैं आपको बताऊँ, एक सिंपल सा चीज़ बताऊँ, पैड्स आ जाएंगे मेरे 4,000 तक के, और दो जोड़ी पैड्स आएंगे मेरे ज़्यादा 7-8,000 में, दो जोड़ी ग्लव्स आ जाएंगे मेरे ऐसे 4,000 में, बैट आ जाएगा 15,000 के लगभग का, तो इतना 8 और 4 12 और 15 27,000, और छोटा मोटा सा 30,000 का खर्चा है। कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, बट क्या है ना पुरानी चीज़ों का मज़ा अलग है। ये सब में ये ना एक कंफर्ट है, जब हम पैड्स पहनते हैं ना पैड्स सेट होने में टाइम लगता है, आपके अकॉर्डिंग आपके लेग्स के अकॉर्डिंग सेट होने में टाइम लगता है, ये सारे सेट है मेरे, समझ रहे हो, तभी मैं नया नहीं लेना चाहता। इसका वेट वेट सब कुछ सेट है तभी मैं नया नहीं ले रहा हूँ। बाकी अभी जाता हूँ मार्केट जाके इसका ग्रिप लगवा के लेके आता हूँ, ये ग्रिप लगवाना है और एक बॉल लेके आना है। मैंने बल्ले पे ग्रिप तो चढ़ा लिया, और जो मैं ये बोला था डबल टेप, देखो ये डबल टेप भी चढ़ा दिया उन्होंने, क्योंकि इससे क्या होता है पता है, देखो ये जो फट रहे हैं ना अब यहाँ तक तो आएगा नहीं, तो यहाँ तक के मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगा, ऐसे इधर भी होते हैं ना तो सेफ़ रहता है, इससे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये देख रहे हो ये प्लेयर एडिशन, नॉर्मल तो उसके आते हैं सनी के, बट प्लेयर एडिशन मिलते हैं लेकिन बहुत महंगा मिलता है, इंग्लिश विलो बाकी। और इनको भी मैंने पूरा सुखा दिया है, और ये मास्क भी ले आया मैं, सारा चीज़ ले आया मैं। अभी तो मेरा पूरा किट कंप्लीट हो गया लो गाइस, अभी तक तो मैं बस दिखा रहा हूँ किट विट, कल से गेम भी दिखाऊंगा। चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।